हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार इन्फो। आज हम यहाँ पर मेरा जो स्विफ्ट कार है इसको हम सर्विसिंग करवाएंगे और ये सर्विसिंग का टोटल वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखिए, मेरा ऑलरेडी मेरा कार आपके सामने है, ऑलरेडी बोनेट खुल चुका है और इसका सर्विसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपके सामने दिखवाऊँगा कि सर्विसिंग के दौरान क्या क्या करते हैं, कौन सा चीज़ चेंज होता है, इसका प्राइस कितना पड़ता है, इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो प्लग पॉइंट है, प्लग जो है 4 प्लग होता है, वो यहाँ पर पहले चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट काम जो ये कर रहे हैं, प्लग जो ऑलरेडी 6 ईयर्स हो चुके हैं मेरे गाड़ी और इस कार को अभी तक प्लग चेंज नहीं करवाया, तो पहली बार ही प्लग चेंज हो रहा है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लग पॉइंट अभी चेंज हो रहा है। अब दूसरा काम जो होगा वो है इसका इंजन ऑयल जो है वो चेंज करवाएंगे। देखिए, ऑलरेडी इंजन ऑयल ड्रेनेज हो चुका है और ये नया इंजन ऑयल हम लोग डाल रहे हैं। यहाँ पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का 2014 मॉडल का जो इंजन ऑयल लगता है वो है 3.1 लीटर। तो 3.1 लीटर इंजन ऑयल हम यहाँ पर डलवाएंगे। देखिए, यहाँ पर इंजन ऑयल अभी डलवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कूलेन है वो कूलेन को हम लोग टॉप अप करवाएंगे। देखिए, ये जो ग्रीन कलर का जो चीज़ दिया जा रहा है वो कूलेन है, जो हमारा एसी का जो कूलेन सिस्टम जो होता है एसी का वो कूल रखता है, तो ये कूलेन हम यहाँ पर टॉप अप करवाएंगे। अभी टॉप अप हो रहा है कूलेन, कूलेन ड्रेन नहीं करवाएंगे, कूलेन को हम टॉप अप करवाएंगे। ये है जो स्पार्क प्लग जो हमने चेंज करवाया। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा कार्बन जम चुका है और ये 6 ईयर्स ओल्ड भी हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज करवाया। 4 स्पार्क प्लग होता है, चारों ही हमने चेंज करवाया। यहाँ से आपका कार का हेल्थ अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूल फिल्टर जो होता है वो चेंज किया जा रहा है।
मेरा कार पेट्रोल वर्जन का है और ये पेट्रोल का जो फिल्टर होता है वो यहाँ पर चेंज करवा जा रहा है। पेट्रोल का जो फिल्टर होता है आपका जो पेट्रोल का हेल्थ अच्छा रहता है और ये आपका कार को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि ये अभी निकल दिया है और यह से पेट्रोल निकल रहा है, इसको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। निकल चुका है, हम देख पा रहे हैं निकल चुका है। और ये है इसका जो फिल्टर होता है, देखिए यहाँ पर अभी भी पेट्रोल भरा हुआ है और ये आपका कार का पेट्रोल को जो रिफाइन करवाता है, देखिए इसको भी मैंने चेंज करवाया, ये भी बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ था। देखिए ये इंजन ऑयल का जो फिल्टर है, यहाँ पर इंजन ऑयल का फिल्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये भी हमने चेंज करवाया, ये नया है अभी, हम देख पा रहे हो। एवरी सर्विसिंग के दौरान आपको इंजन ऑयल का जो फिल्टर होता है इसको चेंज करवाना ज़रूरी है। ये पीछे का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये क्लीन किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे रैश पड़ चुका है, बहुत डस्ट पड़ चुका है, इसको क्लीन बहुत दिनों से क्लीन नहीं करवाया तो इसको क्लीन करवा जा रहा है, देखिए ये क्लीन हो रहा है।
ये फ्रंट डिस्क ब्रेक है और फ्रंट डिस्क ब्रेक को अभी क्लीन किया जा रहा है। देखिए फ्रंट डिस्क का जो डिस्क प्लेट है उसको क्लीन किया जा रहा है। इसको रेगुलर बेसिक में आपको क्लीन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम आपको हर वक्त तंदुरुस्त रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, क्लीन नीट एंड क्लीन करवा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ब्रेक ऑयल डलवा रहा हूँ। देखिए ब्रेक ऑयल जो होता है ये रिफिलिंग करवाना पड़ता है ताकि आपका ब्रेकिंग सिस्टम ठीक रहे। तो यहाँ पर ब्रेक ऑयल रिफिलिंग किया जा रहा है। देखिए ये ब्रेक ऑयल है अभी। तो यह पर लगभग मेरा कार जो है सर्विसिंग हो चुका है। अभी इसका जो टायर है, इसका जो व्हील है, इसको हम रोटेटिंग करवाएंगे। देखिए पीछे का जो व्हील होता है वो सामने आ जाएगा और फ्रंट का जो व्हील होता है वो रियर पर चला जाएगा और साइड भी चेंज होगा। लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये करने से आपका जो टायर, आपका जो टायर का जो हेल्थ है वो ठीक रहता है, एक साइड ज़्यादा खींचता नहीं है और ये रेगुलर बेस पर करना ज़रूरी होता है। तो लगभग मेरा सर्विसिंग हो चुका है। मेरा सर्विसिंग का टोटल जो कॉस्ट आया है यह पर विथ लेबर चार्ज 6,000 रुपीज़ के आसपास मेरा सर्विसिंग का टोटल कॉस्ट आया। इसमें इंजन ऑयल भी था, ब्रेक ऑयल भी था, ठीक है, सब कुछ चेंज करवा के वॉशिंग भी था, सब कुछ चेंज करवा के 6,000 के आसपास, 6,000 to 200 ऐसे कोई आया। तो होप के ये जो सर्विसिंग है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका भी कार है, आप सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो कितना कॉस्ट बढ़ता है इसमें आपका थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई कॉमेंट है, अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पर आपका कमेंट के थ्रू ऐसा वीडियो हम डाल पाए, ठीक है। देखिए अभी ये वॉशिंग पर आ चुका है, अभी ये
कार का वॉशिंग होगा और वॉशिंग का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके सामने लेकर आऊँगा, वो सिर्फ वॉशिंग पार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।